Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The topic we are going to cover today from your syllabus is fibers. We are not going to cover, but I'll tell you the basic of fibers, what fibers are made up of, and where they are used. As you all know, we use different types of bandages in pharmacy. फार्मेसी में या हॉस्पिटल्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंडेजेस यूज होती हैं. दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स. ठीक है, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स से मिलके होती बनती हैं. समटाइम्स दे आर टोटली नेचुरली मेड, समटाइम्स दे आर नॉट. फाइबर्स जो है ड्रेसिंग में के अलावा, इसके अलावा सूचर्स की बिल्डिंग में और जो सर्जिकल ड्रेसिंग्स होती है ना, उसके लिए, सर्जिकल प्रोसीजर्स के लिए जो जो चीजें, जो मटेरियल यूज होता है, उसमें भी फाइबर एक इम्पोर्टेंट पार्ट है. ओके, हम इसको डिफरेंट एंगल से देखेंगे. पहले तो हम इसको, इसकी बेसिक फिनोमेना पे देखेंगे कि फाइबर्स होते क्या है, एंड देन हम इसको सर्जिकल ड्रेसिंग के हवाले से भी और वैसे बैंडेज, ऐसे बैंडेजेस जो क्रेप बैंडेज या वैसे बैंडेज जो यूज होती है, उस हवाले से भी देखेंगे. हिस्ट्री ऑफ फाइबर्स इज ओल्ड एज ह्यूमन सिविलाइजेशन, इज एज ओल्ड एज ह्यूमन सिविलाइजेशन ऑफ कोर्स, बिकॉज जब भी फाइबर्स जो जब किसी को चोट लगी होगी, जो फर्स्ट टाइम लगी होगी या उसके बाद ये जब पुराने जमाने में लगती होगी, तो ऑफ कोर्स टू एब्जॉर्ब दैट ब्लड, आप कोई एब्जॉर्बेंट चीज के ऊपर रखते होंगे, उससे बेसिकली जो है वो बेसिकली बैंडेज का वजूद भी तभी आया. और डिफरेंट जो जो नॉलेज है अबाउट फाइबर्स, वो उससे इस उसी इसी से हासिल हुई, बिकॉज के आप जब डिफरेंट टाइप की, जब टाइप ऑफ मटेरियल वुंड के ऊपर रखा गया, तो दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ एब्जॉर्बिंग पावर, जिसकी वजह से ये जो है हमें ट्रेडिशनली या हमें वैसे ही ये समझ आई कि यहाँ देर इज अ डिफरेंस. बट लेटर जब हम, जब इन्वेस्टिगेशन हुई, रिसर्च हुई और एडवांसमेंट आई, तो देन वी आर एबल टू नो कि जो फाइबर्स हैं उनमें डिफरेंस क्या होता है और उनकी मेक में, उनकी फॉर्म में डिफरेंस जो होता है, उसकी वजह से एब्जॉर्बेंसी या उनकी क्वालिटी में भी और उनके इस्तेमाल भी डिफरेंट होता है. Traces of natural fibers have been located to ancient civilization all over the globe. For many thousand years, the usage of fiber was limited by natural fibers. Of course, जो पहले था, thousand of years तक सिर्फ natural fibers ही use होते थे, जब तक के man-made fibers नहीं बना लिए गए. For many thousand years, the usage of fibers was limited by natural fibers such as flax, cotton, silk, wool, and plant fibers for different applications. Fibers can be divided into natural fibers and man-made fibers or chemical fiber. Flax is considered to be the oldest and the most used natural fiber since ancient times. Flax seeds isko बोलते हैं उर्दू में, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, फ्लैक्स सीड्स को अलसी, सॉरी अलसी, हाँ अलसी बोलते हैं. ठीक है, और इसका जो फाइबर बनता है, वो पर्टिकुलर फाइबर, उसको लिनन बोलते हैं, फाइबर को जो हम यूज करते हैं. ओके, नाउ अ लिटिल क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर. फाइबर कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, on the basis of heat conductivity, and on the basis of their length. On the basis of origin, it is divided into two. Mean number one is natural fiber. Natural fibers is again further divided into vegetable fiber, animal fiber, and mineral fibers. While man-made fiber is regenerated fiber, non-cellulosic polymer fiber, metallic fiber, mineral fiber, and rubber fiber.
ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन. नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेंथ. फिलामेंट की लेंथ के ऊपर मोनोफिलामेंट यार्न्स एंड मल्टीफिलामेंट यार्न्स. मोनोफिलामेंट्स में एक ही फिलामेंट होता है, मल्टीफिलामेंट यार्न में मल्टीपल यार्न होते हैं. स्टेपल फाइबर क्या होता है? स्टेपल फाइबर्स आर दोज व्हिच यू नो दे आर नॉट, जो फिलामेंट होता है ना वो कंटिन्यूस होता है, मींस एक एलोंगेटेड कंटिन्यूस धागा जैसे कहने आप. बट स्टेबल फाइबर जो होता है स्टेपल, वो छोटे छोटे धागों को पीसेस को मिला के बनाया जाता है. जैसे कि आपने धागा भी घर में देखा होगा, वो स्पन अराउंड होता है और वो जो नेचुरल हमारी कॉटन होती है, जैसे वो आपको पता है कॉटन जब ली जाती है तो वो पूरी एक सिंगल फाइबर नहीं होता, बल्कि देयर आर पीसेस होते हैं ना, तो उसको जोड़ के स्पिन करके उसको जो है वो एक सिंगल फाइबर में, एक सिंगल उसमें कन्वर्ट किया जाता है फिलामेंट में. The basis of heat conductivity, thermoplastic fiber and non-thermoplastic fiber. What is the difference between natural and synthetic fiber? Natural fibers are naturally obtained, of course. Synthetic fibers are, they are chemically composed. Colors of these are obtained naturally. Natural fibers ke colors bhi, they are natural, while the colors of these are artificially obtained. While the synthetic fibers for coloring them, artificial colors are required. इसीलिए आपको हमेशा जो जो फाइबर, आप अगर कपड़े देखेंगे ना तो आपके जो नेचुरल फाइबर के कपड़े होते हैं यानी कॉटन के ऊपर, आपको कलर डिफरेंट मिलेगा. सेम अगर आप सिंथेटिक मटेरियल में आप वही कलर अगर आप देखें तो आपको डिफरेंस नजर आता है. इसी वजह से कलर डिफरेंस होता है, कलर फास्टनेस डिफरेंट होती है. And natural fibers, they are eco-friendly, while synthetic fibers, these are generally not eco-friendly, but there are researchers जिसके जरिए, रिसर्च के जरिए इनको eco-friendly भी बनाया जा रहा है. Okay? These are comparatively less durable than synthetic fiber. The natural fibers are comparatively less durable. Durability because क्योंकि वो डिकम्पोज हो जाएगा ना, उसको इजीली डिकम्पोज हो जाएगा, इस वजह से उसको नेचुरल फाइबर को आप ये कह रहे हैं कि वो जो है वो लेस ड्यूरेबल है. वाइल जो सिंथेटिक फाइबर है दे आर मोर ड्यूरेबल देन नेचुरल फाइबर, ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगा ना, क्योंकि देर से जो है ना इसके ऊपर एक्शन होगा डिग्रेडेशन का. सर्जिकल ड्रेसिंग एंड सूचर्स पे आते हैं अब हम. Surgical dressings and suture composed of, they are composed of fibers characterized by their flexibility, fineness, high ratio of length, that is thickness, length at least 1000 times their breadth. Jo fibers surgical dressing ke andar use hote hain unko flexible hona chahiye, unko fine hona chahiye, aur jo unka ratio hota hai na लेंथ और थिकनेस के दरमियान, तो उनकी लेंथ जो होती है वो 100 टाइम्स टू देयर ब्रेथ होनी चाहिए, थिकनेस से ज्यादा होनी चाहिए उनकी लेंथ. देयर इंपॉर्टेंट टू फोरेंसिक साइंस एंड फार्मेसी बोथ. फोरेंसिक साइंस में फाइबर्स का बहुत बड़ा जो है वो एक रोल प्ले करता है, और बहुत जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें फाइबर्स बहुत इम्पोर्टेंट एक रोल रखते हैं. क्योंकि एक मैं स्टडी पढ़ रही थी, उसमें एक फोरेंसिक स्टडी थी, उसमें जो है वो जो क्रिमिनल था वो ऑलमोस्ट 20 इयर्स के बाद जो है वो उसको, वो एक सीरियल किलर था एंड अपने आई थिंक 10 इयर्स के बाद उसको उसको जो है वो पकड़ा गया था. आफ्टर यू नो जब उसको उसके पास से, उसके जूतों से, उसके घर से, उसकी गाड़ी से जो है जो मर्डर था उसका, जो पहला मर्डर था जो, और इवन और साइट से भी जो है ना वो फाइबर, सेम फाइबर्स मिले थे जो कि फर्स्ट किलर की जो है वहाँ कारपेट था उसके ऊपर फाइबर्स जो थे, उसके जूते से लाके उसके घर गए, घर पे मतलब वो जहाँ जहाँ गया वहां से वो मिले थे, जिसकी बिना पे उसको जो है वो पकड़ा गया. फार्मेसी में आपको पता है, फार्मेसी में इसका डिफरेंट यूजेज है. फार्मेसी में जो यूजेज है वो क्वालिटी कंट्रोल एंड टू डिटरमिन प्राइस वर्सेस क्वालिटी फॉर बल्क परचेजेस. इट इज इम्पोर्टेंट
जो डिटरमिन द प्राइस वर्सेस क्वालिटी फॉर बल्क परचेजिंग के लिए एंड फॉर क्वालिटी कंट्रोल के लिए. आइडेंटिफिकेशन, माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन, केमिकल टेस्ट. माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन इसलिए क्योंकि फाइबर्स अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स अगर ऑब्जर्व करें ना, तो देन यू विल सी अ क्लियर डिफरेंस इन द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर. ठीक है, सॉरी, ये मैक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन है, मींस आप विदाउट माइक्रोस्कोप अपनी ओपन आई से जो एग्जामिनेशन करते हैं वो. एंड देन केमिकल टेस्ट परफॉर्म्ड ऑन अ माइक्रोस्कोप स्लाइड एंड ऑब्जर्व्ड अंडर द माइक्रोस्कोप. जो केमिकल टेस्ट है उनमें जो है वो केमिकल टेस्ट तो कुछ उसके रिएजेंट बेस्ड भी हैं, बट देर आर टेस्ट जो कि माइक्रोस्कोपिक से रिलेटेड हैं. माइक्रोस्कोपिक व्यू में जब आप फाइबर को देखते हैं तो यू विल फाइंड कि ये जो जितने फाइबर्स हैं उनका माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर इज डिफरेंट. ओके, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स यूज्ड इन सर्जिकल ड्रेसिंग. इफ यू ड्रेसिंग के हवाले से देखा जाए तो देर आर टू टाइप्स, नेचुरल एंड मैन मेड ड्रेसिंग्स आर अवेलेबल. इन नेचुरल देयर आर एनिमल ओरिजिनेटेड एंड वेजिटेबल ओरिजिनेटेड. Animal originated is mostly protein, while the vegetable originated is mostly cellulose. Protein example is wool and silk, while vegetable cellulose, the example is cotton and chemical wool pulp. While dressing, which is man-made, they are of two types, regenerated and synthetic. Regenerated, again, they are cellulose and example is viscose and rayon, while synthetic polyamide, that is nylon, and polyester, that is styrene. ये जो regenerated है cellulose, ये जो rayon या viscose rayon बनता है, इसकी भी एक पूरी वो है manufacturing है, which maybe I think I'll describe it later. Animal fibers में number पहले आता है wool. Wool is from the fleece of the sheep, ovis, eris, ke sheep se, ke fleece se wool hasil kiya jata hai. Wool hasil aise nahi kiya jata, balki isko treat kiya jata hai before use to degrease it. Uske upar ye jo wool hota hai na, iske upar ek khas jo hai na fat jo hai na wo jo hai wo iske upar accumulated hota hai aur usko alag kiya jata hai. Aur ye jo वुल का जो फैट है ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, लेनोलिन बोलते हैं इसको, और ये डिफरेंट जो है ना चीजों में इस्तेमाल होता है वुल फैट जो होता है. इट इज वॉश्ड विद वाटर, देन सोप सॉल्यूशन, देन ब्लीच्ड विद सल्फ्यूरिक एसिड. एसीटोन रिमूव्स वुल फैट, कॉम्ब्ड एंड ग्रेटेड. इसको वॉश किया जाता है पहले वाटर के साथ, सोप सॉल्यूशन के साथ, फिर ब्लीच किया जाता है ये वाटर के साथ करके ही पहले वो रिमूव कर लिया जाता है. ऑयल, इसको हल्का सा गर्म किया जाता है ना, तो ऑयल इसके साथ अलग हो जाता है वाटर के साथ और खाली ये रह जाता है. देन जब ये पूरे फाइबर्स रह जाते हैं तब इसको ब्लीच किया जाता है और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ धोने के बाद, सोप के अंदर धोने के बाद. उसके अलावा एसीटोन रिमूव्स फुल फैट, कॉम्ब्ड, ग्रेटेड. दे आर देन कॉम्ब्ड एंड देन दे आर ग्रेटेड अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी. Made of protein, that is keratin, stretched, unstable from beta keratin, elastic when let go. Stretch ho sakta hai, elastic when let go, unstretched, stable from a keratin. Acha, ye bhi do type ke hote hain, alpha and beta keratin. Jo alpha keratin hote hain, they are more stable, while the beta keratin are not very stable. Forms peptides link in chain strands, also contains cysteine in sulfur bridges which give elasticity. They also contain cysteine in sulfur bridge in their structure which gives elasticity. Iske wool ke uses kya hai? Chiropody, that is to spread toes. Chiropody mainly kehlati hai wo. लोग जो है ना जो सिर्फ पाँव में जो है ना आपके पाँव को हील कर रहे होते हैं, पाँव से हीलिंग कर रहे होते हैं, उसको काइरोपोडी कहते हैं. क्रेप बैंडेजेस विद कॉटन रेयन, वुल गिव्स इलास्टिसिटी एंड वार्म्थ.
यूजेस का मेन ये है, माइक्रोस्कोपिकली कवर्ड बाय एपिथेलियल सेल्स के. अगर इसको माइक्रोस्कोपिक इसका फीचर आप देखेंगे, पिक्चर देखेंगे, देन यू रियलाइज दैट इट इज कवर्ड बाय एपिथेलियल स्केल्स. मार्क्ड शेप एंड अरेंजमेंट वेरीज इन डिफरेंट ब्रीड्स. डिफरेंट ब्रीड्स हैव डिफरेंट शेप्स एंड अरेंजमेंट. नंबर ऑफ स्केल्स पर 1000 नैनोमीटर लेंथ इज फेयरली कॉन्स्टेंट इन डिफरेंट वूल्स. काउंट्स कैन डिस्टिंग्विश. Silk, silk, as you know, it's prepared from a cocoon of silkworm, that is Bombyx mori. ये जो silk, ये worm है, ये अपने around ये एक create करता है, which you know, जो के हम ये लेते हैं, and then we spun it, और उसके बाद हम silk बनाते हैं. Also from other Bombyx bee, there are different species of, in different parts of the world, जो के इसी forms for same purpose के लिए use होती है. Now, the number one stage is the caterpillar, that is the pupal stage. It secretes an oval cocoon 2 to 5 centimeter long around itself, made of continuous thread up to 1200 meter long. It is made up of continuous thread. यानी वो जो cocoon होता है, वो staple नहीं होता, but it's a filament and it consists of a continuous thread made up to 1200 meter long. Chrysalis held by 60 to 80 degrees centigrade, few hours or a short steam burst. Graded hot water beaten to remove outer layer and soften glue. Chrysalis means जो outer ये जो पूरा cocoon है जिसके अंदर ये बंद है, ये जो पूरा है ना, जो आपका मिलता है आपको after silkworm जब ये बना लेता है तो जो मिलता है आपको rounded structure, that is chrysalis. उसको उसके अंदर उसको फिर भी वो गर्म पानी से गुजारा जाता है और जो है उसके बाद जितने भी होते हैं ना वो उसको उनको बीट किया जाता है, उसको बीट करके एंड देन आई एम सॉरी ये आवाज आ रही है, मैं इसको कोशिश करती हूँ. क्रिसालिस graded hot water beaten to remove outer layer and soften glue loose ends of 2 to 15 cocoons spun into a single thread made up of two silk or fibron fibers